नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि किसी के भी टैग को कॉपी कैसे करें। दोस्तों इसमें एक बात की दिक्कत आती थी कि हम चेक नहीं कर पाते थे कि वो टैग रैंक कर रहा है असल में या नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो टैग रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कैसे आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड लगाना हो वहाँ पे तो आप इसको इजीली भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो ऐप है बिड आईक्यू। इसको दोस्तों आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं सभी इस ऐप का यूज़ भी करते हैं और आप भी आज से करना चालू कर दो। दोस्तों चलिए एक प्रोसेस हम आपको मॉल पर बताते हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ नया सीखने को मिलता हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा वीड आईक्यू डाउनलोड हो चुका है। इसको हम सिंपली ओपन करते हैं। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube से पूरा ये सेटिस्फाइड हो चुका है, इसलिए दोस्तों आपको चैनल पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप सिंपली जो वीडियो पे आप टैग रैंक करना चेक करते हो उसको आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे SEO स्कोर बताएगा। दोस्तों आपको एक मिनट वेट करना है, यहाँ पे SEO स्कोर आपको बता देगा। उससे पहले हम आपको नीचे आते हैं। नीचे आते ही देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे टैग देख सकते हैं। टैग यहाँ पे मेरा पूरा जितना टैग जितना नंबर पे रैंक कर रहा है वो हमको यहाँ पे बता रहे हैं। 100 नंबर सबसे हाई होता है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा लो होता है, इसका मतलब वो टैग आपका बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा SEO रैंक 50 बता रहा है। आपको अगर 45 से लेकर 50 के बीच में अगर आपका SEO स्कोर बताया तो वो सबसे अच्छा है। आपका SEO स्कोर एकदम सही है। अगर इसको हम प्लस किए देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा प्लस हो चुका है। फिर आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा दिया। तो 45 को हम काट के यहाँ पे 56 को कर देते हैं, ठीक है। और 56 करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप नए क्रिएटर हो तो यहाँ पे आपको OTP मांगेगा 4 डिजिट। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है M4JO। उसके बाद दोस्तों हमको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के लिए बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार पब्लिश कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो सेव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मेरा SEO स्कोर कितना अच्छा यहाँ पे आ चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टैग को रैंक कैसे करवाया जाता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।